सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। केंद्र सरकार वल्लों पंजाब खासकर अमृतसर नाल हमेशा दी तरह मतरेई मामला रोल जिहड़ा ओह अदा कीता जांदा है, सलूक कीता जांदा है। और अज वी गल कीती जावे तां इक जिंदा जागदा सबूत है, 2017 विच इक DPR पास होई सी दिल्ली तों कटरे तक दा एक्सप्रैस वे, उस विच अमृतसर नूं शामिल कीता गया सी। पर हुण जिहड़ी नवीं DPR विखाई जा रही है उस विच अमृतसर नूं बाहर कर दिता गया, अजिहा मनना है सांसद गुरजीत सिंह औजला दा। और अज सांसद गुरजीत सिंह औजला जलियांवाला बाग विखे 2 घंटे दे मौन वर्त ते बैठे रहे, की कहना चाहुंदे जी? जी मेरा तो मतलब अज्ज दा मौन वर्त है सिंबोलिक तौर ते असीं लोकां नूं जागरूक करना चाहुंदे कि बहुत वड्डा जिहड़ा धक्का अमृतसर नाल होण जा रिहा और लोग बहुत व्डे एक संघर्ष के राह पैना चाहते थे, पर असी उन्होंने रिक्वेस्ट की COVID-19 करके धारा भी 144 करफ्यू भी असी कुछ बंदे जोड़े नुमाइंदे से असी जब होटल इंडस्ट्री के एक आ गए, एक थ्री व्हीलर के इंडस्ट्री के आ गए नरेंद्र जी सुरेंद्र जी ने और नाल दी साढ़े हरजीत जी ने, सारे असी 4 बंदे ही इतने मौन वर्ते बैठे सा। सो अज जिहड़ा साडे नाल जिहड़ा अनाउंसमेंट हुई सी वो दिल्ली अमृतसर की हुई सी, फिर अमृतसर तो बता के कटड़े तक लगाए थे। हुण जिहड़ा अनाउंसमेंट अमृतसर लई हुई जरिया अमृतसर बनया ये हाईवे बनता, अज अमृतसर वो जो बाहर कट के तो सानू कहा जाता कि NH1 थानी तुहानू वड्डियां कर देंगे, नहीं बिल्कुल सानू ये नवी सड़क आनी सी अमृतसर तक आनी सी, इहदा पहलो जिहड़ा प्रोजैक्ट सी ये हो सकता सी। अटारी दा खुलण दे आसार बनते रहिंदे क्योंकि साडा पंजाब आ एग्रीकल्चर बेस्ड मतलब सूबा आ और इत्थे इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस्ड ही लगनी, तो सोचते सके ये जिहड़ी इंडस्ट्री आ समय दीआं सरकारां सोचदियां वी सी कि ये इंडस्ट्री जिहड़ी आ वाया पाकिस्तान हुंदी होई अगे UAE तो अगे अगां मतलब बाई रोड जिहड़े आ यूरोप तक असी जा सकते, सो इहदा रूट सी। सो उन्हूं ध्यान च रखदे होए ये प्रोजैक्ट किया गया। 1.25 लाख टूरिस्ट हरिमंदर साहब रोज़ नतमस्तक होना आता है, नाल गुरु अस्थाना दे दर्शन आता है, फिर उस तो बाद कटड़े जाता है। सो इस सारिया चीज़ों मद्देनज़र रखते हुए एक जिहड़ी भारतमाला प्रोजैक्ट सी कि अमृतसर ते बार्डर ते कोस्टल डिस्ट्रिक्ट नूं नाल उहदे च मिलाउणा हुंदा है, उहदी धार है, पर उहनूं वी दरकिनार कर दिता गया। ये प्रोजैक्ट अमृतसर नूं मिलिया सी 2016 च दी अलाइनमेंट फाइनल हुंदी आ, पर हुण जिहड़ी फाइनल अलाइनमेंट इन्होंने हुण आ के DPR जदों लास्ट जिहड़ी कीती उहदे च अमृतसर नूं बाहर कढ दिता गया। अमृतसर दा उस DPR च नां नहीं हैगा, जदकि इह कह रहे ने कि अमृतसर नाल हिस्सा होएगा किदां जो DPR च नां ही नहीं हैगा, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ BJP ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 2 ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਟੱਪੂਗੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦਕਿ DPR ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦਿਆਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਡਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਗਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਅਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁਣ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਸਬਲਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ BISF ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 22 ਰੋਡ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਈਵੇ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ੂਰੀ ਮਾਰਗ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਰੀ ਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਵੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਤੋਂ 4.5-5 ਮੈਕਸੀਮਮ 5 ਘੰਟੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, 4.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਾਂਸਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਂਸਦ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਆ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ।
तो जे मैं मैनू भी चुन के लोगों भेजा जे मैं भी गल नहीं करूँगा मैं भी चुप करके बह जूँगा तो फिर ये अन्याय होएगा इस धरती नाल। इस तो पहला भी अमृतसर में कई प्रोजेक्ट मिले सेंटर वालों पर वो सारे प्रोजेक्ट जे होर धरती के मालवे वाल बिल्कुल बिल्कुल तब्दील होए ने। एम्स तब्दील होया है, सेंटर यूनीवर्सिटी तब्दील हुई है, बड़े तरीके झूठ मार के इतों तब्दील कर दी जाती डी पी आर च। ऐतकी भी डी पी आर झूठ ही मारे गया कि जो अमृतसर तो अगे जावे पहाड़ पैणगे टनल्स पैणगियाँ उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। हुण तुसीं दसो आ लोग देखते हैं किन्ने पहाड़ अमृतसर तो अगले बन्ने गुरदासपुर नूं जांदे जां राह अगे गुरदासपुर तो पैंदे कुछ नहीं हैगा। पर जिथे जिहड़ी इस लाइन की डी पी आर दसी कि उत्थे दस्सिया गया महंगी है, उसे सेंटर यूनीवर्सिटी कह गया सी अमृतसर च जमीन है नहीं। इदां गल करदे जिवें अमृतसर कोई टापू होवे छोटा जिहा भी उहदे लागे बन्ने जमीन ही है नहीं, इत्थे बणावांगे किद्दां? सो हर वरी कोई ना कोई अनाउंसमेंट। असी देखो असी किसी के डिवेलपमेंट के अंगेस्ट नहीं है, जिन्नी मर्जी डिवेलपमेंट करो मान लो सानू कोई इतराज नहीं, पर जिहड़े साडे प्रोजेक्ट अनाउंस होंदे आ सानू पैसे अलॉट होंदे आ साडे नाँ ते डी पी आर बनदियां ने साडे नाँ ते पैसे सैंक्शन होंदे ने प्रधानमंत्री यूनियन मिनिस्टर जो भी इत्थे आउंदे ने, पर जदों फाइनल होण लगदे ने उदों अखीर ते आ के डी पी आर दे विच दो लाइनां चार लिख के हाई पावर कमेटी तों फैसला लैके सीधे ट्रांसफर कर दिते जांदे। दुख इस गल्ल दा, दसो तुहाडे ते पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह इतों के सांसद रहे, उस तो पहले नवजोत सिंह सिद्धू जो हूँ कांग्रेस में ने सबका मंत्री ने, क्या उन्होंने शहर वास्ते कोई आवाज़ बुलंद नहीं करनी? देखो 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 हर किसी ने अपना काम किया होगा, मैं किसी इस गलते नहीं कहता किसी ने किन्ना किया किसी ने किन्ना नहीं किया, पर मेरा जो जिम्मेवारी बनती है मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा, मैं किसी के काम की किंतु परंतु नहीं करता। उन्हें तो होता मेरे तो भी कहते बहुत ज़्यादा किए हो, पर मैं अपनी गल करदा कि जिहड़ी मेरी जिम्मेवारी आई दी जिन्ना चिर मैं मेरे मोढ़िआं ते भार आ मैं अपनी जिम्मेवारी प्रॉपर निभाऊंगा। और लोगों जे अन्याय होएगा उहदे विरुद्ध लोगों आगाह जरूर करूँगा भी ये देखो ये साडी धरती दे नाल अन्याय हो रहा धक्का हो रहा। नहीं तुहाडे एफर्ट तां ठीक है, तुसीं प्रैस कॉन्फ्रेंस भी कीती सी उस विच भी तुसीं काफ़ी भावुक हो गए सीगे, क्या समझदे हो तुसीं न्याय कर पाओगे अमृतसर दे लोकां नाल? देखो यही न्याय आ, हुण मैं दसो मेरे को जे साइनिंग अथॉरिटी मैं होवां तां मैं हुणे करदे आं, हुण मैं जिहड़ी सैनिक अथॉरिटी उहदे तक आवाज़ पहुँचा रहा। 25 लाख लोगों की नुमाइंदगी भाई साहब 25 लाख लोगों की नुमाइंदगी जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट दोनों ही पास करना डिपार्टमेंट ने, मेरे को मेरे हाथ वस्त नहीं ना है चीज़, मैं तो उन्होंने ईमेल बार बार पा रहा, उन्होंने फोन कर रहा, हर समाजिक जथेबंदी हर धार्मिक जथेबंदी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, मतलब कि अक्रॉस द पार्टी लाइन हर पार्टी के बंदे रिक्वेस्ट की है कि तुम तगड़े होकर इस मुद्दे उठाओ। दसो मैं उन्होंने धनवाद भी करदा, बहुत लोगों ने अपने लैवल से लगे भी ने, ब्यूरोक्रेट्स भी लगे ने, मतलब साढ़े सारिया पार्टियां के लीडर भी लगे ने, आप किसी ने मैं नहीं कह रहा कि कोई नहीं कर रहा, पर मसला इस गल का जिन्ना चिर इस प्रोजेक्ट के जिहड़ा प्रोसैस चल रहा है जमीन अक्वायर का प्रोसैस चल रहा है जिन्ना चिर चिट्ठी करके रोक के रिव्यू नहीं करते वो साडा पक्ष सुन लैन बेशक की गल रखण, सानू अपनी गल रखने का मौका तो देन, सानू इग्नोर क्यों किया गया? सानू दसन दे सही असी नहीं आते, चलो तुम होता तुहाडा वो पक्ष ठीक होवे पर साडा पक्ष तो सुनिया जाए अजे तक सानू बुलाया नहीं गया। क्या इनू मूवमेंट बनाओगे? क्योंकि जे कर मान लो जे तुहाडी डिमांड नहीं पूरी हुंदी तुहाडा पक्ष नहीं सुनिया, क्या इनू मूवमेंट बनाया जाएगा लोगों को शामिल किया जाएगा? मूवमेंट असीं ते लोगों को शामिल करने वास्ते ही लगे हैं, रोटरी क्लब के प्रधान मतलब इंटरनेशनल रोटरी क्लब के मैंबर ने ये खड़े ने, यह होटल इंडस्ट्री के ने, किन्ना टैंपू है साढ़े 60-70 हज़ार टैंपू है, किसान खड़े ने, उगे किसान ने, ये सारे लोग ने, एन जी ओज़ ने, उहदे नाल नाल जिहड़े एक्स सर्विसमैन ने सारे लगे ने आपो अपनी थां ते, पर वो सारे आना चाहते सी पर COVID-19 करके सानू सारियां गल्लां दा ध्यान रखना पैना, जिथे जिम्मेवारी ये भी है उत्थे जिम्मेवारी एक चंगे शहरी की भी है वो भी नाल दी नाल निभाउणी। ये प्रोजेक्ट खुंझदा है अमृतसर तो किनू किनू नुकसान है? देखो सीधे तौर पर अमृतसर नू बहुत वड्डा लॉस आ, मैं कहूँगा कि मतलब एक तुसीं समझ लो कि एक चंगी भली इंडस्ट्री आउंदी आउंदी साडे तो खुस जाणी आ, तो एक गल ही समझ लो भी एक घर है तुहाडा वो घर नू एक रस्ता माड़ा है तो एक चंगा रस्ता लग जाए तो घर की किन्नी वैल्यू बन जाती है एक घर की, ये तो अमृतसर आ यदा कित्थे गल चलेगी कित्थे लोगों का आना जाना आसान आ, इत्थे मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना गुड़गांव वाले बन्ने ते इन्हें जुड़ जाना है, नवा रूट है ये सारा, ये सानू ही नहीं तरन तारण डिस्ट्रिक्ट देखो जो गोइंदवाल साहब आना इन्हें गोइंदवाल साहब की धार्मिक महत्ता देख लो, उत्थे इंडस्ट्री एरिया भी आ, सुल्तानपुर लोधी से लागू की लंघना 550 साल गुरु नानक देव जी का असं मनाया वो महत्ता आप देख लीए, तरन तारण साहब की महत्ता देख लीए, हरिमंदर साहब अगे देख लो इतने आ जो अं इतने आ जाने दुरगैना तीर्थ है, बाबा बुढ़ा जी के धार्मिक स्थानों देख लो, बाल्मिक तीर्थ में देख लो, ये अनेक होर धार्मिक स्थान, रीट्रीट सैरामणी में देख लो 50,000 बंदे के करीब तुहाडे सामने उत्थे बहन की कपैसिटी हैगी जो बनाया, 800 के करीब इतने होटल है इतने जो चल रहा अमृतसर के, तो ये सारिया चीज़ों भावुकता देखो ना, यह सारिया चीज़ों जे एक नवा रस्ता लगता है जिंकी लोड़ आ, 22 रोड टूरिस्ट सब तो वध आउंदा आ, जिहदी अज एक दिन ब्यास जिहदन भंडारा हुंदा है उहनां दा वड्डा दिन हुंदा आ, तुसीं देखो असीं लंघ नहीं सकदे जाम हो जांदा सारा रूट पैक, उस तों इलावा भी जे एक 10 मिनट भी
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਗਲੀ ਰੂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਰਾ ਕਤਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਿੰਜੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਮੌਨ ਵਰਤ ਦਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੌਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਲੀ ਵੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪਸੀਚਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।